बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को एक दुर्लभ बीमारी हो गई है। सांसद संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर आकर दी। संजय जायसवाल को स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम नाम की दुर्लभ बीमारी डिटेक्ट हुई है। फिलहाल संजय जायसवाल पटना एम्स में एडमिट है। सभी को नमस्कार। आप सबों के आशीर्वाद और शुभकामना से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कलकत्ता में ही मुझे 25 तारीख को बुखार हो गया था, लेकिन चूंकि मैं स्वयं जल संसाधन समिति का अध्यक्ष हूँ, इसलिए अपने कलकत्ता और गुवाहाटी के सभी दायित्वों को पूरा करके पटना आया। पटना आने के साथ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यह एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जिसमें आप ही का शरीर आपके खिलाफ काम करने लगता है और जितने तरह के चमड़े हैं, चाहे शरीर का हो या मुंह के भीतर आंख वगैरह का हाथ, सबका इन्वॉल्वमेंट सूजन और स्लफिंग होने लगता है। और इसको बीमारी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुश्किल से 100 लोगों को इस एक दवा के रिएक्शन से होता है। पर पटना एम्स में दूसरे ही दिन मेरी बीमारी को डिटेक्ट कर लिया, जिसके कारण आज मैं इतने दिनों तक लगातार 104 बुखार और पूरे दूसरे और दिक्कतों के कारण एम्स पटना में ही अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। चूंकि सारे अपने लोक क्षेत्र में भी हर कोई मेरे लिए चिंतित है और हर कोई इधर आना चाहता है, अभी मुझसे मिलना मेरे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरा पूरा चमड़ा एक्सपोज्ड है और जब तक वो सब हील नहीं करता है, तब तक नहीं होगा। इसलिए अगले 7 दिन मैं किसी से भी नहीं मिल सकता हूँ और आप आके भी परेशान होंगे और मेरी मदद भी नहीं कर पाएंगे। संजय जायसवाल खुद भी पेशे से डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि संजय जायसवाल को जो बीमारी हुई है उसमें क्या होता है। स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी है। यह एक तरह का संक्रमण होता है जो काफ़ी तेजी से फैलता है। इस बीमारी में सबसे पहले बुखार आता है। इस बीमारी में शरीर के अंग शरीर के खिलाफ ही काम करने लगते हैं। इस बीमारी में शरीर की त्वचा भी फटने लगती है, आंत में सूजन आ जाता है और गलने लगता है, जो खतरनाक होता है। मिली जानकारी के अनुसार स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम नाम की यह बीमारी बहुत ही रेयर बीमारी है, जो 10 लाख लोगों में से 2 से 6 लोगों को ही होती है। उम्मीद करते हैं कि संजय जायसवाल जल्द ही ठीक होकर जनता के बीच वापस लौटेंगे। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।